हेलो एवरीबॉडी, सामने हमारे पास देख सकते हैं फोक्सवैगन की वर्टुस। तो स्पेशल थैंक्स टू पीपीएस मोटर्स। अगर आप कैलकाटा या फिर वेस्ट बंगाल में कहीं भी रहते हो और आपको वीडब्ल्यू की कोई भी कार चेकआउट करनी है तो पीपीएस मोटर्स में ज़रूर विजिट कीजिएगा। बिल्कुल मेन रोड के यहीं पे शोरूम है। शोरूम का सारा एड्रेस वगैरह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सामने हमारे पास जो कार है वो है वीडब्ल्यू वर्टुस, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। और वेरिएंट कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है अपना बिल्कुल टॉप लाइन वेरिएंट, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन ये वेरिएंट है। बट ये अपने पास है 1 लीटर वाली, 1.5 नहीं। तो ट्विस्ट इसी में है, देखना यही है कि 1 लीटर के साथ आपको इसमें क्या सब फीचर्स मिलते हैं, कार की प्राइसिंग क्या है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, सब कुछ A to Z में आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इंजन बे दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब हम जर्मन कार्स की बात करते हैं। ये देखो बड़ा भारी सा आपको बोनेट मिलता है, कोई इंसुलेशन नहीं मिलता क्योंकि इंजन ऑलरेडी रिफाइंड है बहुत ज़्यादा। 1 लीटर के इंजन आप ऐसे देख सकते हो, फुल कवरिंग के साथ काफ़ी नीट एंड क्लीन इसका जो इंजन बे है वो है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑन पेपर इसकी पावर कहीं ना कहीं है 118 PS और टॉर्क इसका है 178 Nm। तो अगर आप इसका जो 1.5 लीटर TSI है उसके साथ इसको कंपेयर करते हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डाउन मिलेगा परफॉर्मेंस। बट सेगमेंट की जो बाकी कार्स हैं उनके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये कार उनसे कई ज़्यादा आगे है परफॉर्मेंस के मामले में। तो प्रायोरिटीज़ की बात है, जिनको एक्सट्रीम लेवल परफॉर्मेंस चाहिए वो इसका 1.5 उठा लो, जिनको परफॉर्मेंस अच्छी खासी चाहिए विथ डिसेंट माइलेज वो इसको उठा लो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके DRLs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके पास मिल जाता है LED के साथ प्रोजेक्टर लैंप्स, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है। इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे LED में प्रोवाइडेड है। नीचे आप फॉग लैम्प देख सकते हो, ये बेशक आपको हैलोजन में मिलता है। और फुल नीचे ग्लॉसी ब्लैक में ये ट्रीटमेंट दिया गया है। क्रोम का भी भरपूर इस्तेमाल है, यहाँ पे देख सकते हो ग्रिल में डबल लाइनिंग की क्रोम, फिर बम्पर के यहाँ पे क्रोम। तो आप लोग पता आपको क्रोम की ट्रीटमेंट कैसी लगती है। यहाँ पे टोइंग हुक भी इस कार में आपको मिलता है। ये वाली जो कलर है ना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है वर्टस के साथ, इतनी प्रीमियम लगती है ना, बिल्कुल स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग देती है। और VW की पेंट क्वालिटी आप देख लो, द बेस्ट इन सेगमेंट विदाउट अ क्वेश्चन ऑफ डाउट। ठीक है, अप्रोच एंगल इस कार की डिसेंट इनफ है सेडान के स्टैंडर्ड से। बट ये कार कहाँ पे स्टैंड आउट करती है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। भाई 179 mm की आपको इस कार में ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट SUV को टक्कर देने वाली फिगर्स है। खैर यहाँ पे हो गई, प्रोफाइल की बात करें तो देख सकते हो 205/55 R16 16 इंच का आपको मिलते हैं, क्योंकि ये टॉप लाइन वेरियंट है इसीलिए आपको डायमंड कट वाले मिलते हैं। बड़ी प्यारी बड़ी क्लासी मेरे को इनकी अलॉय व्हील की डिज़ाइन लगती है। 5 नट आपको मिलते हैं, जो डिस्क है वो सामने अवेलेबल है। वाइपर आपको यहाँ पे रेगुलर क्वालिटी के मिलते हैं। यहाँ पे ORVM हो गए विद द टर्न इंडिकेटर्स। और यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको सनरूफ भी मिलता है। जो शार्क फिन एंटेना है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है, ये भी ग्लॉस ब्लैक सराउंड है। यहाँ पे कीलेस एंट्री आपको इस साइड मिलता है, उस साइड भी मिलता है दोनों तरफ, तो वो भी शानदार बात है। क्रोम की स्ट्रिप आपको यहाँ पे दी गई है, इस तरफ भी क्रोम की स्ट्रिप दी गई है। ऑलमोस्ट 4500 mm की इसकी जो लेंथ है वो है, बहुत ज़बरदस्त इसकी रोड प्रेजेंस आपको लगने वाली है। ग्लास एरिया भी अच्छा खासा है। यहाँ पे जो फ्यूल लिड है आपको इस तरफ मिल जाता है राइट साइड पे, पीछे आपको इसमें ड्रम ब्रेक से मिलते हैं। आ जाते हैं पीछे, अगेन वो ग्लॉस ब्लैक के अंदर ये हेड जो रियर लैम्प्स है वो इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपके पास ऑल LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि रात में बहुत प्यारी लुक आपको एक प्रोवाइड करती है। जब देख सकते हो रियर जो फॉग लैम्प है वो आपको यहाँ मिल जाता है, सिर्फ राइट साइड पे, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिवर्स लैम्प है, यहाँ पे वर्टस की बैजिंग, यहाँ पे TSI की बैजिंग। 1.5 होती तो आपको यहाँ पे एक GT की बैजिंग भी दिख जाती। यहाँ पे देख सकते हो फोक्सवैगन का लोगो है। यहाँ पे जो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है वो है। यहाँ पे डिफॉगर भी आपको प्रोवाइडेड है। पीछे कैमरा भी आपको यहाँ मिलता है। पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो आपको 3 प्रोवाइडेड है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर हो गया और इस तरफ भी रिफ्लेक्टर हो गया। पीछे बम्पर भी आप देख सकते हो क्रोम का यूजेज आपको यहाँ पे मिलता है। अगर हम इसका जो बूट है वो खोलते हैं, देखो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने खोला, पूरी खुल जाती है बिल्कुल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ, बहुत ज़बरदस्त। बूट स्पेस भरपूर आपको मिलता है, 500 लीटर ऑलमोस्ट, बहुत बढ़िया। और फुल्ली इंसुलेटेड ये बूट है फैब्रिक के साथ, जिससे कि बूट के अंदर अगर कोई नॉइज होती है वो अंदर केबिन तक ना पहुंचे। रियर व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पे एक साइज छोटा मिल जाता है, 195/65 R15। मारते हैं एंट्री अंदर, लेकिन उससे पहले चाबी दिखा दूं। चाबी आपको यहाँ पे VW का लोगो इंटीग्रेटेड है। लॉक अनलॉक और बूट खोलने का फंक्शन मिल जाता है। फ्लिप की आपको बेशक इस वेरिएंट में मिलता है, बट
पुश स्टार्ट स्टॉप भी आपको मिलता है, तो ये धोखा ना खाना कि इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता, ठीक है। ये हमने खोल दिया, इसका डोर काफ़ी वाइड खुलती है, डुअल टोन में फुल आपको फिनिश मिलता है, ये ब्लैक है, ये बेज कलर में है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है, जस्ट ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लेदर का ट्रीटमेंट आपको मिलता है। स्पीकर यहाँ पे हो गया, ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है, बॉटल होल्डर आपको बड़े बड़े मिलते हैं, अंदर भी यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल, और पावर विंडो के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ड्राइवर का जो सीट है इसको भी आप, इसका जो हाइट है इसको भी आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। सीट्स भी आपको डुअल टोन में मिलती हैं, ब्लैक और बेज में, ये परफोरेशन देख सकते हो भाई, बिल्कुल वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको मिलती है, शो के लिए नहीं दिया गया है, और ये फुल्ली लेदर राइट सीट्स आपको मिलती है। 6-6 एयरबैग्स तो ऑब्वियसली आपको इसमें मिलते हैं, और सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में इसको 5 स्टार मिले हैं, बोथ एडल्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी में, और बॉडी स्ट्रक्चर भी इसका स्टेबल पाया गया है, तो सेगमेंट की सबसे ज़्यादा सेफ कार यही है विदाउट अ क्वेश्चन ऑफ डाउट। ऑटोमेटिक है इसीलिए आपको 2 पेडल्स मिलते हैं, डेड पेडल वहाँ पे प्रॉपर आपको मिलता है, हेडलाइट लेवलिंग यहाँ पे हो गया, और हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं, फॉग लाइट का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है जी। आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ डोर थर्ड देख लो, सुपर सॉलिड, लाजवाब। स्टेयरिंग व्हील आपको कुछ ऐसे मिलती है, लेदर रैप के साथ और डायमंड कट, सॉरी डी कट के साथ, बहुत बढ़िया है पकड़ने में, प्रीमियम बहुत फील करा रही है, क्योंकि लेदर की क्वालिटी बहुत शानदार है। और एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ऊपर नीचे मतलब जो टिल्ट है, और टेलीस्कोपिक भी है, लाजवाब। यहाँ पे आते हैं तो जो इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको यहाँ पे मिलता है, देख सकते हो, इसको हमने दबाया तो इसकी एनिमेशन देख लेते हैं, ये देखो बहुत बढ़िया, फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पे जो एनिमेशन है वो प्रोवाइडेड है इस बटन के थ्रू। आप इसका जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे टेलीफोन है, ऑडियो है, गियर डिस्प्ले है, एवरेज स्पीड है, सब कुछ A to Z आप यहाँ पे देख सकते हो, फुल्ली लोडेड है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है ही नहीं, ठीक है। और ऊपर नीचे सब कुछ ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास मिल जाता है इसका जो व्यू है, किस लेआउट में आपको चाहिए, ऐसी चाहिए या ऐसी चाहिए, मेरी पर्सनल फेवरेट यही है, या आपको यहाँ पे टैकोमीटर का व्यू चाहिए, क्या चाहिए आप यहाँ से अपने आप एडजस्ट कर सकते हो। वॉइस कमांड आपको यहाँ पे मिल जाता है, ट्रैक चेंज करने का फंक्शन आपको यहाँ मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन करने का फंक्शन यहाँ पे है, क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड पैडल शिफ्टर्स भी आपको प्रॉपर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मैं आपको बता दूं, टाइगन में एक नया अपडेट आ चुका है इसका टॉप वेरियंट में, जहाँ पे क्या है, अब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को पैसेंजर सीट्स इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली वो वाली वेरिएंट अपने पास अभी नहीं है, आई एम सो सॉरी गाइज, जब ये आ जाएगी शोरूम पे जल्द से जल्द हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, मेरा वादा है आपके लिए, ठीक है। वापस से दबाते इसको और इसका मजा लेते हैं, जब तक ये लोड होती है तब तक मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है सब कुछ हार्ड प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, ऑब्वियसली जर्मन कार से आप बेस्ट क्वालिटी ही एक्सपेक्ट करते हो हर चीज़ में। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है एक ऑटो डिमिंग IRVM, बढ़िया बात। यहाँ पे आपके पास मिलता है ये मिरर, यहाँ पे मिल जाता है एक टिकट होल्डर, ये अपना लोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेती है पर जब लोड हो जाती है तब इसको छेड़ने में इतना मज़ा आता है ना, देख सकते हो भाई 10 इंच की आपको प्रॉपर यहाँ पे स्क्रीन मिलती है, जबरदस्त क्लैरिटी है। होम पे आ जाते हैं, कोई लैग नहीं, बहुत जबरदस्त, और देखो वर्टूस बिल्कुल अपने पास बन के आ रही है, ड्राइविंग डेटा यहाँ पे है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बेसिक ये सब जो चीज़ है वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पे इन्फोटेनमेंट पे मिलता है, यहाँ पे एप्स वैप्स जो भी है कॉल वगैरह टेलीमेटिक्स के लिए वो सब मिलता है, सेटिंग्स का बटन आपको यहाँ मिलता है, तरह तरह की चीज़ें आपको मिलती है, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। लाइट्स पे जाते हैं तो कार की जो इंटीरियर लाइटिंग है देख सकते हो, एम्बियन लाइटिंग भी आपको यहाँ पे मिलती है, लेकिन बहुत बढ़िया स्क्रीन है। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है बड़ा सा ग्लव बॉक्स और कूलिंग फंक्शन के साथ, ओके। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स आपको सारे के सारे मिल जाते हैं, टच बेस्ड, और ऑटोमेटिक AC भी आपको यहाँ पे मिलता है। नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आपको मिलता है, 2 Type-C के सॉकेट्स, ये अपना ऑटोमेटिक है इसीलिए आपको यहाँ पे ऐसा मिलता है गियर लीवर, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये जो है ये है अपना आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने का बटन, यहाँ पे जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं को पैसेंजर और ड्राइवर सीट के लिए वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, 2 कप होल्डर्स है, यहाँ पे आप इजीली अपना चाबी भी रख सकते हो, हैंड ब्रेक देख सकते हो, मैनुअल आपको मिलती है कितनी ऊपर तक उठती है, और हाँ देख सकते हो सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाती है, इलेक्ट्रिक के स्टैंडर्ड से काफ़ी बड़ी आपको मिलती है भाई, मतलब बाकी कार्स जिनमें इलेक्ट्रिक सनरूफ आती है उनसे बड़ी सनरूफ आपको इसमें मिलती है।
ये तो मैंने दिखा दिया आपको जो मिरर वगैरह है, केबी लाइट्स आपको यहाँ पे ऑल एलईडी मिलता है। आई थिंक इस कार की जो बैटरी है वो बैठ चुकी है, इसीलिए ये फिलहाल अभी ऑन नहीं हो रही है, लेकिन ऑल एलईडी में मिलती है, मैं आपको बता दूँ बेस वेरिएंट से ही। ठीक है, सीट्स बेहद कंफर्टेबल है, साइड सपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, अंडर थाई सपोर्ट आप देख लो, 6 फीट मेरी हाइट है, बट पूरा का पूरा मेरा जो लेग है वो कवर हो रहा है। और जो सीट है इसको मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरे सिटिंग के अकॉर्डिंग ये कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट ये मेरी पोजीशन है। ये अपना इंडिकेटर और जो हाई डिपर मारने का लीवर है वो आपको यहाँ मिलता है, यहाँ पर आपको पास मिल जाता है वाइपर के स्टॉक्स। ठीक है, डोर लॉक अनलॉक का फंक्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। चलते हैं पीछे, पीछे दिखाते हैं कि आपको क्या सब फीचर्स और एमिनिटीज मिल जाती है। इस तरह से आपको ये गुड बाय भी करती है जब कार से आप निकलते हो। डोर काफ़ी वाइड खुल जाती है, अगेन ये सब हार्ड प्लास्टिक है लेकिन ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, स्पीकर यहाँ पे है, बॉटल होल्डर यहाँ पे है, अंडर थाई सपोर्ट देख लो काफ़ी शानदार, आइसोफिक्स माउंटेड सीट्स है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपको बीच के पैसेंजर के लिए भी मिलता है, और 60-40 स्प्लिट आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाती है। पीछे के जो 3 हेडरेस्ट है सारे के सारे आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बीच में अपने पास मिल जाता है आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, ओके। यहाँ पे देख सकते हो आपके पास मिल जाता है 2-2 एसी वेंट्स, और सामने में आपको आर्मरेस्ट दिखाना भूल गया, आपको स्लाइडेबल मिलता है विद अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस। सनरूफ का व्यू देख रहे हो, यहाँ से अच्छी लग रही है ना। यहाँ पे आपके पास मिल जाता है 2-2 टाइप सी के सॉकेट्स, यहाँ पे मैगजीन होल्डर हो गया, यहाँ पे भी आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। नी रूम और लेग रूम देखो भाई, बहुत शानदार, इतनी लंबी कार है तो ये तो बनता ही है ना, और सेडान जब है तो कंफर्ट प्रायोरिटी पे होगी, और इस कार में आपको भरपूर कंफर्ट मिलता है स्पेस के मामले में और सीट की जो कुशनिंग है, इवन दैट्स फैंटास्टिक। और जो अंडर थाई सपोर्ट है पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। क्या 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं? जी हाँ, 3 लोग यहाँ पे डेफिनेटली बैठ सकते हैं, अगर लीन से एवरेज तक की उनकी जो बॉडी फिगर है वो रहे तो। ठीक है जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम बीच के पैसेंजर को हो सकता है, वो ये वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा पीछे आ रहा है दोनों तरफ, तो अगर आप बहुत बड़ा एक जूता पहनते हो, मतलब कहने का मतलब ये है अगर आपकी पैर थोड़ी सी बड़ी है तब आपको ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, लेकिन नॉर्मल बंदों के लिए बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेस्ट थिंग यही है कि बीच के पैसेंजर के लिए भी स्पेस और अंडर थाई सपोर्ट दोनों अच्छी है। अब पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो जो केबिन लाइट्स आपको यहाँ पे एलईडी में प्रोवाइडेड है, अगेन कार की बैटरी अभी बैठ चुकी है मेरे सामने, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो यही थी कहानी इस कार की, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया कि क्या सब अपडेट्स आए हैं जो इस कार में, इसको और प्रीमियम बनाने के लिए। ठीक है, अब मेन जो चीज़ बाकी रह गई वो क्या, वो है इसकी कीमत। ये जो पर्टिकुलर अपना वेरियंट है 1 लीटर टॉप लाइन ऑटोमेटिक, इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 16,20,000 रुपीज़। ऑन रोड अगर कीमत की बात करें तो 18 लाख्स में आपको मिल जाएगी अगर आप फोक्स वैगन PPS मोटर से लेते हो। शोरूम का सारा एड्रेस वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है। तो यही था वीडियो, आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो वर्टुस है वो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, वर्टुस और टाइगुन का जो अपडेटेड वर्जन है विथ ऑल द न्यू अपडेटेड फीचर्स, एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका एक साउंड एडिशन भी आ चुका है जहाँ पे क्या है, आपको सबवूफर मिलेगा, एम्पलीफायर मिलेगा, सी पिलर में कुछ ग्राफिक्स मिलेंगे, फिर बैजिंग मिलेंगे, पडल लैंप्स मिलेंगे, तो उसका भी वीडियो आपको देखना है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, और VW PPS मोटर्स पे आप क्या चेकआउट कर सकते हो कोई भी इनकी कार। ठीक है, इस नाते अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।